यार भाई यार अपने बच गया। अरे अरे तो गाइस रियाज ये जा रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है बंदा आज, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। आज मुझे लग रहा है ना रियाज फॉर्म में नहीं है भाई अपनी पूरी, आज इसका चनी भारी है भाई। अरे लाइफ जैसी भी हो भाई लोग, कोई भी ना लाइफ टाइम तुम्हारे साथ ही रहता, प्रॉमिसेस बहुत सारे रहते हैं लाइफ में, बट बहुत कम बंदे जो है भाई वो नहीं निभाते हैं। तो जैसे कि आ चुका है 4 महीने के बाद मेरे को आज अपना लाइसेंस मिल गया। सो फाइनली गाइस सैरी आ गया है होल पावर के साथ। ओए सैरी सैरी आया है, एक आया है, एक आया है भाई, पूरी टीम आ गई है अपने पीछे। खतरनाक वाला कांड हो गया था, मैंने मारी लीन देन गाइस वो कार के चक्कर में, मतलब मैं बचने, मतलब दोनों मतलब मरने से बच जाता सच में भाई। तो उस चक्कर में मैंने ब्लॉग से मेरा महंगा फ़ोन वोन सब इधर तो हिल गया था, बंद कर दिया था। बाकी चला गया, सारे भाई लोग रेडी हो गए और अब देखो मज़ा। देख सकते हो आगे टीम जा रही है, ओहो आगे पूरी गैंग भाग रही है भाई। ओ तो भाई देख सकते, अरे 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 बाबा आराम से आराम से बाबा। भाई ये क्या था, अरे भाई गया था आज तो गया था, दूसरी बार हो गया मेरे साथ। बाबा आराम से चल, थोड़ा आराम से चल, घुस जाता अभी पागल हो गया बिल्कुल ही, अंधा चल रहा है दूसरे बार ये कांड हुआ, पहली बार ही बजा, दूसरी बार ही बजा और भाई अब मैं बहुत धीरे चलूंगा, मैं बोल रहा हूँ दिल से बोल रहा हूँ। अगर KTM नहीं ना होती इस समय मेरे को R1V3 होती तो मैं घुस जाता भाई, इसकी ब्रेकिंग इतनी सॉफ्ट है ना। तो फिलहाल वो आगे चल रहे और मैं उनके पास जा रहा हूँ। ओ तो भाई मतलब जो सीन हुआ है ना उसके बाद ना मेरे को लीन मारने में थोड़ा सा डर सा लग रहा है, डर इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं जैसे लीन ले रहा हूँ कोई ना कोई गाड़ी एकदम से आ जा रही है, मेरे लीन लेने के टाइम में नहीं आ रही, जस्ट लेते ही आ जा रही है बट। और भाई मेरी ना अब दिल से बोल रहा हूँ, मेरी आवाज़ लग चुकी है, तो मैं नॉर्मल चल रहा हूँ अभी पहाड़ में, तो देखेंगे बाकी तो डर के आगे जीत है, बट सिचुएशन के हिसाब से फेस करना चाहिए। तो गाइस रियाज ये जा रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है बंदा आज, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। तो गाइस सैरी फिर उसको लीन दिखाएगा। ओ भाई साहब तो गाइस देख सकते हो आज कितना मजा आ रहा है भाई, इतनी सारी बाइक है ना साथ में, फुल पावर। ओह ओ सैरी का लीन और रियाज फिर से भाई साहब आउट जा रहा है बाउंड्री के अपनी, सैरी तो क्या लीन मार रहा है भाई, सैरी का तो कंपटीशन ही नहीं है भाई कोई। आज मुझे लग रहा है ना रियाज फॉर्म में नहीं है भाई अपनी पूरी, आज इसका चनी भारी है भाई। ओ भाई साहब खतरनाक भाई खतरनाक, क्या ही बोलूं बंदे को, यहाँ पे रेत लग चुकी है तीनों की।
जाने तो भाई, जाने तो सब के जाने भाई 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 खतरनाक बंदे अल्टीमेट 17 अल्टीमेट यार आज लाइनअप की तरह खतरनाक है, इतनी सारी बाइकें आ रखी है आज तो। बाकी अब यहाँ से निकलते हैं नीचे को फुल पावर, मैं तो जाऊँगा अकेले, ये मैं और अनमोल और हम तीन जाएंगे, चौथा भाई चला गया। बाकी यार चलो निकलते सीधे नीचे, मिलेंगे आपको, कुछ चाय वगैरह पीते, बहुत देर हो गई और अपना अनमोल काफ़ी दिनों के बाद आया और सनी भारी हो गया हमारा तो भाई चलो चलते सीधे नीचे। भाई साहब दो दो गाड़ी देख रहे हो, वन नॉट मर रहा है भी वो भी भाई, धुआं धुआं हो गया। हाँ डीएल देख सकते हो, जैसे कि आ चुका है 4 महीने के बाद मेरे को आज अपना लाइसेंस मिल गया, बहुत ज़्यादा खुशी है। तो गाइस को सेफली जेब में रखते हैं, उसके बाद ऐसे निकलते हैं आईटी ऑफिस से। तो काफ़ी ज़्यादा मैं लेट भी हो गया हूँ और तो वहाँ से एकदम से मैं राइट से भाग के आ गया था, इसलिए भाग के आ गया था क्योंकि भाई मेरे को अभी जस्ट थोड़ी देर पहले याद आया था कि आज 20 तारीख है और मेरे को अपना डीएल लेना है। लेकिन गाइस आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरा डीएल वापस आ गया है। तो अगर मैं किससे इंस्पायर हूँ, आमिर माजी भाई से, तो मैं उनको देख के जो मतलब इतना खतरनाक जोश होता है ना बंदों के अंदर, तो वो आमिर माजी भाई हैं जिनसे मैं इंस्पायर हूँ। और वो मेरे क्या ही बोलूँ, मतलब मैं अपना बड़ा भाई टाइप से मानता हूँ क्योंकि एज अ मोटर ब्लॉगिंग में जो आमिर माजी भाई है ना, वो ज़्यादा खतरनाक मेरे को कोई नहीं लगता है। तो इतने सारे बंदे बट अलग अलग बंदों की पसंद होती है, तो भाई जैसे कि मेरा आमिर माजी भाई हैं तो मैं उनसे इंस्पायर हुआ हूँ। और गाइस इनके लिए मतलब इनके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग भाई है हो गई है, मतलब क्या ही बोलूँ गाइस, मेरा बोलने का मस्त तो नहीं है बट गाइस उनका ब्रेकअप हो चुका है। तो गाइस मतलब वो जब मैंने सुना और मतलब उन्होंने एक वीडियो क्लिप भी डाली, तो ये क्लिप देखो पहले आप, तुम्हारे साथ शेयर कर दूं मेरे दिल के अंदर भर रखी थी भाई लोग। पहले तो मैं तुम्हें ये बता देता हूं भाई, तुम्हारी लाइफ जैसी भी हो भाई लोग, कोई भी ना लाइफ टाइम तुम्हारे साथ ही रहता। प्रॉमिसेस बहुत सारे रहते हैं लाइफ में बट बहुत कम बंदे जो है भाई वो उन्हें निभाते हैं। जल्द से जल्द मैं एक राइड की प्लान कर रहा हूं ताकि मैं जल्द से जल्द ना जम्मू से बाहर निकल पाऊं एंड मेरा जो माइंड है जो फक हो रखा है भाई अभी माइंड में, वो सारी चीजें जो है भाई ठीक हो जाए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहे वो ट्रैक सुनो, वो सिर्फ मेमोरीज रह चुकी हैं उस ट्रैक में। एंड उस पर कमेंट कर देना जितना तुम्हारा मन करेगा, 50,000, 1,00,000 जितने तुम्हें कमेंट करने हैं। तुम्हारी ये चीज़ों से थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा लाइफ में आगे आगे बढ़ने का, ग्रो अप होने का, एंड मुझे भी अच्छा लगेगा भाई। 3000 कमेंट जो थे वो विनीत भाई ने बोले थे, मुझे पता है इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है बट तुम चाहो वो सारा ट्रैक सुनो एंड होप जल्द से जल्द मैं भी पूरा रिकवर होके यूट्यूब पर फिर से वापस आऊँगा। कुछ दिन तक मेरे व्लॉग्स वगैरह नहीं आने वाले जहाँ तक मेरे को लगता है भाई। उन्होंने बोला कि प्रॉमिस तो सब करते हैं बट निभाना बहुत कम लोग हैं, तो भाई ये सच बात है कि प्रॉमिस सभी कर लेते हैं भाई। आज के टाइम में ना हर कोई प्रॉमिस कर देता है कि मैं ये करूँगा, मैं तेरा साथ दूंगा, मैं वो करूँगा, बट कोई नहीं भाई। बहुत कम से बंदे होते हैं जो अपने प्रॉमिस को मतलब पूरा कर रहे हैं, वरना तो आजकल कहाँ बंदे रहेंगे प्रॉमिस पूरा करने वाले, बस अपना काम निकलता है चले जाते हैं। तो बस वही वाला सीन हमारे आमिर भाई के साथ भी हो चुका है। चल जाते यार भाई खतरनाक सी वहाँ कसम, सॉरी यार बहुत सॉरी। आज तो नहीं रुकने वाला भाई, मैं गली आई कि थोड़ी बहुत तबीयत खराब थी तो देन उसकी तबीयत भी ठीक हो गई है। तो कल मैं उससे मिलने गया था तो देन उसकी मैं ऐसे जल्दी में गया था तो उसकी तबीयत वगैरह खराब थी, तो अब वो भी मस्त होगी, स्वस्थ होगी, बिंदास बिल्कुल फुल पावर। तो गए कल मैं और क्यूटिकल मिलेंगे आपको फुल पावर ब्लॉग में। तो बाकी तो भाई आयो आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक कर कमेंट कर देना और आपका भाई मिलता है एक मिनट से भाई वीडियो का, तब तक के लिए बाय।